देश की अर्थव्यवस्था की लुटिया पूरी तरह डूब चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर जनता को बहकाने से बाज नहीं आती। लेकिन विपक्ष भी सरकार की पोल खोलने का जिम्मा उठा रखा है, जिसके चलते विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। उसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार की पोल पट्टी खोलने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लगातार सरकार को घेरने की कड़ी में राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए राहुल गांधी बहुत ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, वो सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ते। यही कारण है कि वो विपक्ष के नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं और जनता को भी राहुल गांधी का पूरा समर्थन मिल रहा है। पेगासस जासूसी कांड, रफाल या कृषि कानून, हर एक मुद्दे पर राहुल गांधी ने मुखरता से अपनी बात रखी है। उसी कड़ी में अब एक बार फिर विकास का डंका पीटने वाली सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, साथ ही एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें 4000 कंपनियों पर ताला लगने की बात कही गई है। भाजपा सरकार का विकास ऐसा कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया, नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे क्या मंडे। राहुल गांधी ने ये ट्वीट #SundayThoughts के साथ किया है। अपने इस ट्वीट के जरिए सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जब काम ही नहीं रहेगा तो हर दिन छुट्टी ही है, क्या संडे और क्या मंडे। दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के भारत से अपना कारोबार समेटने के ऐलान के बाद छपे एक लेख में दावा किया गया है कि देश में लगभग 4000 कंपनियों में ताला लग सकता है। ऐसे में जब देश में नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो आम जनता अपना पेट कैसे भरेगी, और इसी तरह अगर कंपनियां देश में अपना कारोबार समेटती रही तो कैसे होगा देश का विकास। ये सभी सवाल अब सरकार को घेर रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।